Good morning, class fourth. Today we will start the fifth chapter, the Dragon Who Drew. So, in this box, you have to draw a dragon and color it. This is your assignment one. And then you have to write five things you know about dragons. Okay? You have to in the comment section. This is your homework, and you all have to do this. In the comment section, you will write. फाइव थिंग्स दैट यू नो अबाउट ड्रैगन्स ठीक है अगर नहीं पता है तो फाइंड इट ऑन गूगल एंड राइट फाइंड इट ऑन गूगल अंडरस्टैंड देन इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन गॉट इट यू विल नॉट डू यू विल नॉट चीट ओके पढ़ो समझो और फिर जो भी आपको वर्ड्स आते हैं आप उन वर्ड्स में कॉमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे ठीक है नाउ रीड द स्टोरी अबाउट अ क्यूट फ्रेंडली ड्रैगन अब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे क्यूट से फ्रेंडली ड्रैगन की आमिंग वॉज अ ड्रैगन अब एक ड्रैगन था जिसका नाम था आमिंग अ वेरी लार्ज ग्रीन एंड ब्लैक ड्रैगन वो एक बहुत बड़ा ग्रीन और ब्लैक ड्रैगन था वेन ही ब्रीथ ही पफ्ड आउट अ लॉट ऑफ स्मोक एज इफ ही हैड अ ग्रेट फायर इनसाइड हिम और जब भी वो ब्रीथ करता था उसके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता था ऐसा लगता था कि उसके अंदर फायर है हिज आइज शोन लाइक रूबीज एंड हिज टेल सीम टू स्ट्रेच फॉर माइल्स एंड माइल्स और उसकी आइज जो थी वो रूबीज़ की तरह चमकती थी रूबी क्या होता है एक स्टोन होता है ठीक है उसकी तरह चमकती थी और उसकी टेल जो थी वो बहुत लंबी थी बहुत लंबी थी ही हैड नॉट ऑलवेज बिन सो लार्ज एंड इम्पोजिंग फॉर वेन ही वज ओनली अ फ्यू ईयर्स ओल्ड ही वॉज वेरी स्मॉल एंड थिन विद नो टेल एट ऑल लेकिन आमिन जो था वो हमेशा से इतना बड़ा इतना प्यारा इतना सुंदर ड्रैगन नहीं था वो जब छोटा था तो वो बहुत बहुत जब वो यंग था जब वो कुछ ही सालों का था तब वो बहुत छोटा सा पतला सा ड्रैगन था जिसके पास टेल नहीं थी इन फैक्ट हिजमा द हु वॉज ब्यूटिफुल व स्क्वाइट शीम्ड ऑफ हेम ले इनफैक्ट जो उसकी मदर थी जो बहुत सुंदर थी वो आमिंग वो बहुत शर्मंदा थी कि आमिंग ऐसा दिखता है छोटा सा पतला सा और जिसके पास टेल नहीं है ऐसा ड्रैगन दिखता है आई डो विश आमिंग वुड ग्रो अ लिटिल शी सेड टू द अदर ड्रैगन और वो बाकी ड्रैगन से कहती थी मैं प्रे करती हूँ मैं ये विश करती हूँ कि जो आमिंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए नो वन विल एवर बी frightened ऑफ हिम ही विल नेवर बी एबल टू फाइट बैटल्स और लुक इम्प्रेसिव इन अ प्रोसेशन क्योंकि कोई भी कभी उससे डरेगा नहीं फ्राइटेंड मतलब डरना और वो कभी भी बैटल्स में मतलब वॉर्स में लड़ नहीं पाएगा और वो कभी भी इम्प्रेसिव नहीं दिखेगा प्रोसेशन में प्रोसेशंस क्या होते हैं प्रोसेशंस मतलब जुलूस वो कभी भी उनमें इम्प्रेसिव बहुत अडोरेबल अच्छा सा नहीं दिखेगा दिस मेड आमिंग वेरी unhappy. और इस चीज़ से आमिंग को बहुत चोट पहुँचती थी कि उसकी मदर उसके लिए ऐसा बोलती थी He used to hide among the rocks and trees where no one could see him, and, and tears would roll down his dragon's dragon cheeks. और वो जो था वो rocks में trees में छुप कर छुपता था जहाँ उसे कोई देख नहीं सकता था और फिर वो वहाँ छुप कर रोता था ही डिसाइडेड दैट ही वुड रन अवे और उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो वहां से भाग जाएगा नो वन इज रियली काइंड टू मी ही सेट क्योंकि वो कहता है अपने आप से कि मुझसे कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता मुझसे कोई काइंडली बिहेव नहीं करता इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा आई फाइंड अ न्यू होम वेयर आई कैन लिव हैप्पी ऑल बाय माई सेल्फ एंड आईल बी काइंड जेंटल ड्रैगन इवन इफ आई के नॉट बी लार्ज ब्यूटिफुल एंड फीयर्स वन वो कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा मैं अपने लिए एक नया घर ढूँढूँगा जहाँ पे मैं अपने आप खुश रह सकता हूँ और मैं एक बहुत ही काइंड मतलब अच्छा जेंटल ड्रैगन बनूँगा भले ही मैं एक बहुत बड़ा ब्यूटिफुल और फ्यर्स ड्रैगन ना बनूँ फ्यर्स मतलब वायलेंट ठीक है हम लोग को ये पता है ना कि ड्रैगन्स बहुत वायलेंट होते हैं वॉर्स में बहुत बड़े होते हैं ह्यूज होते हैं उनसे लोग डरते हैं ये सब हम लोगों ने पढ़ा है तो आमिन जो था वो ऐसा नहीं था उसने कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं एक अच्छा ड्रैगन बनूँगा भले ही मैं बहुत सुंदर ड्रैगन ना हूँ लेकिन मैं एक अच्छा ड्रैगन बनूँगा सो so वन Dark night when a when a half moon gave just enough light for Arming to see the road he would take and which led over the hills and far away he left home और फिर एक रात अंधेरी रात मतलब dark थी उस दिन half moon था और इतनी light थी कि Arming जो था वो आराम से road पर चल सके और चलते चलते hills तक पहुँच सके इतनी light थी उसने उस दिन अपना घर छोड़ दिया ही फेल्ट अ लिटिल सैड एंड लोनली लिविंग ऑल द अदर ड्रैगन्स ही न्यू सो वेल बट ही वॉज क्वाइट डिटमेंट टू मेक हिज ओन वे इन द वर्ल्ड अब वो सैड था और अकेला था ही वो सैड एंड लोनली वो सैड था और अकेला था क्योंकि वो बाकी ड्रैगन जिनको वो जानता था वो उनको छोड़कर जा रहा था लेकिन वो डिटमेंट था कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगा इस दुनिया में he was so small that he was able to take the little paths and tracks between the hills and across the rice fields which would have been much too narrow for most dragons और वो इतना छोटा था कि जो hills uh, और वो इतना छोटा था कि hills और rice fields के बीच में जो छोटे-छोटे रास्ते थे वो उनको भी cross कर पा रहा था अगर बाकी ड्रैगन्स उसकी जगह होते तो वो ऐसा ना कर पाते क्योंकि बाकी ड्रैगन्स बहुत ह्यूज और बहुत लार्ज होते हैं बाई मॉर्निंग ही हैड गॉन अ लॉन्ग वे और वो सुबह तक बहुत आगे निकल गया था ही स्लेप्ड अंडर अ बानियन ट्री एंड वेटेड अंटिल इट वॉज डार्क बिफोर मूविंग ऑन अगेन और वो फिर बानियन ट्री के नीचे सो गया और वेट फिर वो बानन ट्री के नीचे सो गया बानियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ के नीचे सो गया और वो रात का इंतज़ार करने लगा क्योंकि रात को वो फिर चलना स्टार्ट कर देता है दिन में वो नहीं मूव करता था ही ट्रेवल्ड लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड सून ही वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग वे फ्रॉम हिज ओल्ड होम और फिर उसने कई दिनों तक सेवरल डेज़ तक ट्रैवल किया और फिर वो अपने घर से बहुत दूर निकल गया था वन मॉर्निंग ही केम टू अ प्लेस वेयर टॉल ट्रीज ग्री ऑन द टॉप ऑफ अ लिटल हिल फिर एक सुबह वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर एक पहाड़ पर पहाड़ी पर ऊंचे-ऊंचे ट्रीज उगे हुए थे देर वॉज अज रॉकी केव आउट ऑफ विच अ स्ट्रीम बाबल और वहाँ पे एक बड़ा सा रॉकी केव था जिससे स्ट्रीम निकल रही थी स्ट्रीम मतलब छोटी सी रिवर निकल रही थी और इससे बबल्स निकल रहे थे डाउन बिलो इन द वैली ही कुड सी अ विलेज विद लॉट्स ऑफ हाउसेज इट वॉज लवली क्वाइट प्लेस और uh, वो हिल पे था और उसे हिल से क्या दिख रहा था जो वैली थी जो रास्ता था हिल्स के बीच में वहाँ पर बहुत सारे विलेजेस थे और वहाँ पे बहुत सारे घर भी थे और वो जगह जो थी वो बहुत प्यारी सी और शांत जगह थी आई शाल स्टे हियर फॉर एवर एंड एवर एंड एवर सेड आम हैप्पीली सो He settled down in the cave and made up his mind to be kind and good. और उसने कहा कि अब मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकता हूँ खुशी खुशी और फिर वो केव में सेटल डाउन हो गया और उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया उसने अपना माइंड बना लिया कि वो एक बहुत ही काइंड और अच्छा ड्रैगन बनेगा He ate green grass and wild fruits with blossoms that fell from the trees and the little mushrooms that sprang upon the hillside. Sometimes he found फाउंड हनी दैट द बीज हेड लेफ्ट इन अ हॉलो ट्री एंड ही ड्रैंक द कोल बबलिंग वाटर फ्राम द लिटल स्ट्रीम और फिर वो वहाँ पर क्या खाता था वो जो भी वाइल्ड फ्रूट्स होते थे ग्रास होता था वो वो खाता था और जो ब्लॉसम्स मतलब जो भी फ्रूट्स uh, ट्रीज से गिरते थे वो उनको खाता था और छोटे छोटे मशरूम्स को भी खाता था जो हिल साइड पर उगते थे फिर जो हनी बीज अपना हनी uh, छोड़ देती थी ट्रीज में वो उन उसको खा लेता था और जो स्ट्रीम थी वहाँ पे स्ट्रीम से वो पानी पीता था, था क्लास मैं इस चैप्टर को दो वीडियोस में कंप्लीट करूँगी बिकॉज इज इट्स अ लेंथी चैप्टर आप लोग बोर हो जाओगे अगर मैंने एक साथ सारा पढ़ा दिया तो आज मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ तक रखती हूँ बाकी का चैप्टर आप पार्ट टू में देखिएगा ठीक है थैंक यू क्लास